वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट, टॉपिक है लोकसभा। आज की डिक्टेशन इस प्रकार है। शुरू, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में शुक्रवार को भी हंगामा हुआ। यह हंगामा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक सवाल पर हुआ, जिसके जवाब की शुरुआत में ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गांधी के एक बयान का जिक्र कर दिया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें सीधे जवाब पर आने की हिदायत भी दी थी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें सीधे जवाब के तौर पर कुछ नहीं कहा। नतीजा हंगामा और सदन की कार्यवाही के स्थगन के रूप में सामने आया। इससे पहले भी कई दिनों से संसद का यह बजट नित नए मुद्दों पर हंगामों की छत्र छाया में ही चल रहा है। हम अपने लोकतंत्र का दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते नहीं थकते, यह भी कहते हैं कि 1947 में मिली आज़ादी के बाद से हमने खूब विकास किया है, लेकिन क्या 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने से पहले हमें विकास की परिभाषा को एक बार फिर से नहीं पढ़ लेना चाहिए? आखिर विकास के मायने क्या हैं और हम वाकई उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? फिर हम विकास की विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि हम संसदीय दस्तावेजों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि जब भारत में लोकतंत्र ने जन्म लिया था, तब आज की तरह संसद में हंगामे नहीं होते थे। सांसदों के बीच मारपीट की नौबत नहीं आती थी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे 3-3 राजनेताओं को जेल में और वह भी 6-6 माह तक रखने के हालात नहीं थे। पैरा गाली गलौज की बात तो बहुत दूर, आरोप प्रत्यारोप में भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होता था। भूले भटके हो भी जाता तो क्षमा के हथियार से हालात कुछ ही क्षणों में सामान्य हो जाते थे। आज तो वर्षों पुरानी गांठों को देखकर हिसाब साफ किए जाते हैं और संसदीय कार्य व्यवहार ही क्यों, जीवन के अन्य पहलुओं में क्या हुआ वहाँ भी हम बातें तो विकास की कर रहे हैं, लेकिन मंजर तो विनाश का नजर आ रहा है। भले हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने देखें, लेकिन वह टिकी तो कर्ज पर ही होगी। 73 वर्ष पहले जब हम आज़ाद हुए, तब देश में महिलाओं का सम्मान कितना था, आज हमने उसे कहाँ पहुँचा दिया। पिता पुत्री भाई बहन के रिश्ते भी कलंकित होने लगे हैं। हर शहर में जिस्म फिरोशी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पैरा कश्मीर की सहिष्णुता और बहुलतावादी सोच से साक्षात्कार श्रीनगर में हो जाता है, जब एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में
सैकड़ों वर्ष पुराने डल झील के समीप समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव को समर्पित प्राचीन शंकराचार्य मंदिर के दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विकासात्मक दूरदृष्टि में कश्मीर के उज्जवल भविष्य का प्रतिबिंब दिखता है। सरकार ने समग्र विकास की बात की है ताकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी लोगों का विकास हो सके। संपूर्ण विराम।